मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शिविर का नगर पालिका परिषद श्योपुर के अध्यक्ष रेणु सुजीत गर्ग, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महावीर सिंह सिसोदिया, नगर पालिका के सभी पार्षदगण एवं नगर पालिका सीएमओ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की आज से शुरुआत हो गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये महीने की राशि खातों में भेजी जाएगी। श्योपुर में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रेणु सुजीत गर्ग, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महावीर सिंह सिसोदिया और सीएमओ सतीश मटसेनिया ने पात्र महिलाओं के फॉर्म भराकर योजना की शुरुआत की। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महावीर सिंह सिसोदिया ने बताया कि महिलाओं को किसी भी तरह की परेशानी न उठानी पड़े, इसके लिए हर वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे। जब ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद इन सभी आवेदनों की जाँच मई तक पूरी कर ली जाएगी। वहीं जून से सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलने लगेगा। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। योजना का आज से फॉर्म भरकर शुभारम्भ किया जा रहा है, तो इस पे पधारे हमारे सभी जनप्रतिनिधि, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सिसोदिया साहब, माननीय जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय और हमारे सभी पार्षद महोदय और यहाँ की पूरी जनता और सभी नगर पालिका मीडिया बंधु, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत इसमें पात्र बहनों को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 1,000 रुपये की राशि प्रति माह दी जाएगी। तो ये योजना महिलाओं के सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी तक कि महिलाओं का सशक्तिकरण सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से या अन्य रूपों में तो हुआ, लेकिन आर्थिक रूप से, जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है सशक्तिकरण का, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण होना, तो इसी तारतम्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस पर बहुत गहन विचार किया गया कि हमारी बहनों का सशक्तिकरण कैसे होगा। तो आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में एक नया बिंदु और महत्वपूर्ण बिंदु समझ में आया, तो इसी तारतम्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना का शुभारम्भ किया है कि हमारी बहनें आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो वो अपने स्वयं के निर्णय ले पाएंगी, उनकी निर्भरता स्वयं पर अधिक होगी, आत्मनिर्भर बनेंगी। इसी योजना को, इसी चीज़ को लेकर ये योजना लाडली बहना योजना प्रारंभ की गई है। तो इसी तारतम्य में यहाँ पधारे सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और सभी नगरवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस योजना का आप लोग आगे बढ़कर पूरा लाभ लें। धन्यवाद। लाडली बहना योजना का शुभारम्भ हुआ है, तो इसको लेके क्या कार्यक्रम रहेंगे और क्या योजना है? मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस मध्य प्रदेश में बहुत कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं, जिसमें से ये मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष का एक अनोखा, बिगर किसी जाति भेद के से ऊपर उठकर ये जो लाडली बहना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जो आज से लॉन्च किया विधिवत, उससे पूरे प्रदेश भर की महिलाएं जो जाति वर्ग उसमें बटी हुई थी, वो मानती थी कि हमने स्कूल में जन्म लेने से हमें इसकी पात्रता नहीं है, उन सबसे ऊपर उठकर एक श्रेणी बनाई, उसका लाभ उन सब बहनों को प्राप्त होगा, उससे बहुत बड़ी प्रसन्नता उनके मन में है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब आम जन से, आम लोगों से इस विषय में चर्चा करते हैं, तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, चाहे वो तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे संबल योजना हो, चाहे वो लाडली बेटी कन्यादान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, उससे भी महत्वपूर्ण इस लाडली बहना योजना को बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को हम श्योपुर वासी और सभी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो ऐसी योजना हमेशा लॉन्च करते हैं जो आम आदमी के मन की गहराई से छूती है। इससे महिलाओं का जहाँ और सशक्त, महिला सशक्त, परिवार सशक्त, समाज सशक्त, प्रदेश सशक्त, देश बनेगा। महिला जब सशक्त होगी तो परिवार भी सशक्त बनेगा, देश भी सशक्त बनेगा, समाज भी सशक्त बनेगा। इसलिए इस योजना के लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और पात्र हितग्राही जितने भी इसमें जुड़े हैं, उन सब में कोई सहयोग, किसी तरह के सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो हम हमेशा तत्पर रहेंगे, उनका सहयोग करेंगे। अभी तक कितने फार्म भरा हुआ है भाई? जब आज इस योजना का लॉन्च हुआ है प्रारंभ में, कुछ सिस्टम में अभी इसमें कोई तकनीकी खराबी, क्योंकि एक साथ जब पूरे प्रदेश भर में ये योजना लॉन्च की गई तो सारा सिस्टम थोड़ा सा स्लो और तरीके से नहीं चल रहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये कैंप प्रतिदिन हर वार्ड में इसी प्रकार से आयोजित किए जाएंगे, 11 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक।
तो इसकी संख्या हम शाम को ही निकाल के दे पाएंगे। अभी तक मात्र 10-12 फॉर्म आए हैं। सिस्टम की वजह से कुछ बहने यहाँ नहीं आ रही, क्योंकि उनका फोटो भी इसी तत्काल ही लिया जाएगा। बाकी फॉर्म भर लिए गए, 12-15 फॉर्म अभी एक घंटे में प्राप्त हुए। ठीक है।